हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। पूनम सी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज YouTube में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1 कप सूजी और 1 कप घी। 2 टेबलस्पून हमने ड्राई फ्रूट लेना है। आइए, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी हमने एक साथ नहीं डालना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट और साथ ही हम इसमें सूजी भी डाल देंगे और धीमे आंच पे हमने इसे भूनना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है। सूजी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हो सूजी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी डालना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डाल के हमने इसे अच्छी तरह से चलाना है। थोड़ा सा घी हमने ऊपर से डालना है। हलवा को हमने अच्छी तरह से भूनना है। जब तक कि इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। घी की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। हलवा हमारा भून चुका है। अब हमने इसे सर्व करना है। आप भी गरम गरम हलवा बना के खाइए। अब हम आपसे मिलते हैं वेनसडे को।